बोरा शहर के बोर्डा के समाज सेवक तथा वृक्ष प्रेमी तथा रुग्ण मित्र धीरज लाकड़े का परिवार चार पीढ़ियों से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हर्षोल्लास से मना रहा है और इस वर्ष भी गोकुल अष्टमी के अवसर पर कान्हा को स्थापित कर हर्षोल्लास से जन्माष्टमी मनाई और लाकड़े परिवार के धीरज लाकड़े तरुण युवक ने इस परंपरा को कायम रखा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर उत्कृष्ट झांकियां उन्होंने स्थापित की जिसे देखकर आने जाने वाले मंत्रमुग्ध हो रहे थे। गौरतलब है धीरज लाकड़े यह एक समाज सेवक हैं और समाज उपयोगी उपक्रम हमेशा वह करते रहते हैं। वृक्ष लगाने के साथ में रुग्ण मित्र के रूप में उनकी वरवा शहर में एक अलग पहचान है और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी उत्सव उनके घर पर अनेक पीढ़ियों से हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। धीरज लाकड़े के पिता गजानन लाकड़े ये हीरालाल लोया विद्यालय में कार्यरत हैं और वे तीन भाई हैं और तीनों भी भाई मिलकर गोकुल अष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाते हैं और दही हांडी काला भजन कीर्तन व महाप्रसाद का भी आयोजन किया जाता है और इस उत्सव को लगने वाला खर्च लाकड़े परिवार तय करता है। और दादा परदादा के जमाने से भगवान श्री कृष्ण जी की जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है और वहीं इस मौके पर समाज सेवक वृक्ष प्रेमी तथा रुग्ण मित्र धीरज लाकड़े ने सरलता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी के बारे में क्या कहा, आप स्वयं सुने उनकी जुबानी। मैं धीरज लाकड़े, समाज सेवक चंद्रपुर जिला। आज जवळ जवळ आज चार पिढी झालेल्या आहे या जन्म श्री कृष्ण जन्मोत्सव साजरा करण्यासाठी। ही आमची चौथी पिढी आणि सतत आज नेहमीप्रमाणे याही वर्षी एक नवीन उत्साह आम्ही यामध्ये क्रिएट केला आहे आणि एक एक 3D सीन आम्ही केलेला आहे तो म्हणजे बालगोपाळ श्री कृष्ण यांचा जन्म हा वासुदेव आणि देवकी हे मथुरेच्या जेलमध्ये होते, त्या जेलमध्ये त्यांचा जन्म झालेला होता। त्याच्यानंतर तो जसा जन्म झाला आणि त्या यमुना नदीचा पूर आला होता, यमुना नदीला तो पूरामध्ये वासुदेव आपला श्रीकृष्णाला मथुराला स्थापित करण्यासाठी घेऊन चालले होते आणि त्याच्यामध्ये असाच प्रकारचा एक पार्ट आहे तो म्हणजे जसा आपण बघितला होता आता की त्यामध्ये एक जेल आहे, जेल दाखवल्यानंतर त्याच्यामध्ये मधात श्री वासुदेव दाखवलेला आहे आणि वासुदेव आपल्या श्रीकृष्णाला आपल्या गोकुळामध्ये प्रस्थापित करण्यासाठी पोहोचवलेला आहे। अशाच प्रकारे हा एक सीन आहे आणि याच्यामधून एक चांगल्या लोकांना एक संदेश मिळू शकतो। सी टीव्ही हमारे विशेष प्रतिनिधी जगदीश पेंदाम की रिपोर्ट।